हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बबली किचन। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब सेहतमंद और खुशहाल होंगे। आज मैं आपके साथ आंवले के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी सेल्फ लाइफ काफी लंबी है। ये खराब नहीं होता, इसको आप 3-4 महीने जितनी देर मर्जी रख लें। इसको बनाने के लिए मैंने ये देखिए बड़े बड़े 600 ग्राम मैंने ये आंवले लिए हैं। आंवलों को हम सबसे पहले स्टीम कर लेंगे। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दिया है और इस तरह से इसके अंदर जाली रख दी है और पानी उबलने के लिए रख दिया है। इसमें हम ये सारे आंवले रख देंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में भी इसको स्टीम कर सकते हैं। बस ये 5-6 मिनट लगते हैं। आप बीच में उठा के देख लें, ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। हमने इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाने, स्टीम करने, 50% कुक करने हैं। बस अब इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए एक प्लेट में रख लेंगे। ये आंवले ठंडे हो गए हैं, अब हम इसकी गुठली निकाल देंगे और इनके कलियां निकाल लेंगे। इस तरह से इसके टुकड़े काट ले। अब ये देखिए मैंने सारे कलियां काट दी हैं, इसकी निकाल ली हैं और तकरीबन ये आधा किलो के करीब मेरे आंवले अब रह गए हैं गुठली निकालने के बाद। इसके अंदर मसाले डालने के लिए मैंने ये 3 चम्मच सौंफ लिया है, 1 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है, 1 चम्मच अजवाइन ली है, 1 चम्मच साबुत धनिया और ये 1/2 चम्मच के करीब काली मिर्च ली है। इनको हम सबको ड्राई रोस्ट कर लेंगे हल्के सेक पे। बस हमने ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए और थोड़ी सी इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए। जैसे इसकी खुशबू आएगी गैस बंद कर दे और इसको एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख लेंगे। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर जार में, दरदरा ग्राइंड कर ले। ये मेरा मसाला ग्राइंड हो गया है, अब इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर मैं 1/2 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच कलौंजी, हल्दी 1 चम्मच, 2 चम्मच भर के मैंने इसमें नमक डाला है। नमक थोड़ा सा तेज ही होना चाहिए, नहीं तो फिर अचार खराब हो जाता है। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच देगी मिर्च डाली है। अब इनको सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। ये सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर हम 1 कप सरसों का तेल डाल देंगे और उसको गर्म कर लेंगे। जब वो गर्म हो जाए, धुआं निकलने लग जाए तो गैस को बंद कर देंगे। अब ये मेरा तेल थोड़ा ठंडा हो गया है, अब इसके अंदर हम सारे मसाले डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। गरम गरम में नहीं डालना आपने, नहीं तो मसाले सड़ जाएंगे, थोड़ा ठंडा होने के बाद ही डालें। मसाले मिक्स हो गए हैं, अब हम इसके अंदर सारे आंवले डाल देंगे। बहुत जल्दी अचार बन जाता है ये। अब ये देखिए अच्छी तरह इसको मिक्स कर ले, सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाने चाहिए। अब हम इसमें 1 चम्मच 1 सर्विंग स्पून के करीब हम इसमें सिरका डाल देंगे, जिससे इसकी सेल्फ लाइफ और बढ़ जाती है। तो अगर आपको डर है कि अचार खराब ना हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सिरका डाल दें। तो मैंने ये इसमें सिरका डाल दिया है, अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसको एक कांच का जार लेंगे जिसको अच्छी तरह सूखा साफ होना चाहिए। सारे आंवले हम मर्तबान में डाल देंगे। वैसे अचार खराब तभी होता है, या तो उसका कोई ढक्कन ढीला है, या गीला चम्मच लग गया है, या फिर नमक और तेल की कमी भी है तो भी अचार खराब हो जाता है। तेल जो है अच्छा डालना है अपने खुला, बेशक ऊपर से थोड़ा तेल और डाल दें ताकि ये तेल में डूबे रहें तो भी नहीं खराब होता। और नमक भी आपने थोड़ा आम से ज़्यादा डालना होता है इसमें। अचार में थोड़ा सा नमक ज़्यादा डलता है, इसलिए मैंने 2 बड़े चम्मच भर के नमक डाला है इसमें। तो ये देखिए ये हमारा आंवले का झटपट बन गया अचार, और इसको आप काफ़ी देर तक रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता। बहुत ही टेस्टी आंवले का अचार बन के तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी ये अचार की रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलते हैं।